बहुत बार बनाए होंगे और बहुत तरीके से बनाए होंगे, पर एक बार इस तरीके से मटन बना करके देखिए, सच में आप सभी तरीके भूल जाएंगे। यहाँ कुकर हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच सरसों का तेल, डालेंगे हम 1/2 चम्मच जीरा, यहाँ हम 4-5 पीस मटन का तेल लिए हैं, ये सबको इसमें डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच नमक, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, ये सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। कितना सॉफ्ट हो चुका है। अब इसी कुकर में हम डालेंगे 4 से 5 चम्मच हम इसमें सरसों तेल ही डालेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका, अब इसमें डालेंगे 2 तेजपात का पत्ता, सूखे हुई लाल मिर्च, जीरा कट करके रखे हैं और 3 गट्ठे लहसुन का, देखिए, और इसे हाई फ्लेम पर 2 मिनट भून लेंगे। यहाँ पे हुए 2 मिनट हो चुका, अब इसमें हम डाल 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, इसमें जाएगा 500 ग्राम मटन, जितना हम मटन लिए हैं उतना ही इसमें प्याज डाले हैं। गैस का फ्लेम हाई रखते हुए इसे 5 मिनट ऐसे ही प्याज के साथ मटन को अच्छे से भून लेंगे। डालेंगे हम कुछ मसाले, 1 चम्मच नमक डालेंगे, नमक आप अपने स्वादानुसार डालिएगा, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर मिक्स करेंगे। यहाँ मसाले के साथ मटन को भूनते हुए 5 मिनट हो चुका। वाव, देखिए कितना प्यारा कलर आया है सच में। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप पानी, पानी के साथ इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ढक्कन लगा के 1 सीटी आने तक इसे हम पका लेंगे। 1 सीटी आने के बाद गैस का फ्लेम हम बंद कर दिए थे, चलिए खोल करके देखते हैं। क्या मस्त बना है ना, देख रहे हैं। तेल हम फ्राई करके रखे थे उसको भी इसमें डाल देंगे। थोड़ा देर के लिए कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे ताकि हमारा मटन का तेल भी इसी में अच्छे से पक जाए। तो ये लीजिए, हमारा मजेदार सा मटन बनके तैयार हो चुका। लग रहा है ना कितना जबरदस्त, सच में। देखिए जो खड़े खड़े हम लहसुन के गट्ठे डाले थे, लहसुन भी हमारा कितना अच्छा से दिख रहा है, और जो तेल हम फ्राई करके रखे थे कितना कमाल का दिख रहा है। हमारे वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वे प्लीज़ सब्सक्राइब करें।